हेलो गाइस, वेलकम टू फिटो फैबिया और मैं हूं आपका दोस्त आनंद। बेली फैट कम कैसे करें, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर वेट लॉस। सारे टाइप के डाइट प्लान्स ट्राई कर लिए फिर भी पेट कम नहीं हो रहा, बिकॉज बेली फैट के अराउंड बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन इस इंडस्ट्री में है जो कि मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके प्रोग्रेस को बहुत ही ज्यादा स्लो करती हैं, सो आप इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करें एंड ऐसा करने से आप अपने बॉडी के स्टबर्न फैट को लूज कर सकते हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट आपको हमारे नोटिफिकेशंस आते रहें। और गाइज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें so that you get to know the mistakes due to which you are not able to reduce your belly fat. मैं अपने वीडियो शूट करने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ एंड अपने डे टू डे लाइफ में जो जो सप्लीमेंट्स यूज करता हूँ, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं फॉर द डिटेल्स। सो गाइज, अब देखते हैं ये 10 मिस्टेक्स क्या हैं। फर्स्ट, फास्टेड कार्डियो करने से ज्यादा फैट बर्न होता है। आप किसी भी तरह का कार्डियो करें, चाहे आप मॉर्निंग में खाली पेट कार्डियो करें या फिर शाम को कार्डियो करें, उससे आपका फैट लॉस जरूर होगा। द टाइम ऑफ द कार्डियो डज नॉट मैटर। अगर आप ज्यादा कार्डियो करेंगे तो आपके ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगे और आप एक कैलोरिक डेफिसिट में एंटर करेंगे। सो गाइज, स्टॉप थिंकिंग कि फास्टेड कार्डियो इज बेटर देन अदर टाइप ऑफ कार्डियो। आप कार्डियो अपने वर्कआउट रूटीन में कभी भी ऐड कर सकते हैं एंड कार्डियो करने से आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होता है एंड आपका हार्ट स्ट्रांग होता है। द सेकेंड मिस्टेक इज HIIT या फिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कोई मैजिक नहीं है जो आपका फैट ज्यादा बर्न करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप डे वन पे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड नेक्स्ट डे अगर आप लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे तो आपका फैट बर्न नहीं होगा या फिर कम बर्न होगा। ये बिल्कुल गलत है। यस, लो इंटेंसिटी के मुकाबले हाई इंटेंसिटी ज्यादा टाइम एफिशिएंट होता है बिकॉज आप कम टाइम में ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं इन HIIT। अगर आप HIIT कर रहे हैं तो आपका रिकवरी प्रोसेस कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकता है, इसलिए HIIT डेली करना भी रिकमेंडेड नहीं होता। HIIT आपके बॉडी के लिए इन अ लॉन्ग रन सस्टेनेबल नहीं होता, सो आप HIIT डेली नहीं कर सकते। द थर्ड मिस्टेक इज फॉलोइंग डाइट प्लान्स। अगर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर का डाइट प्लान फॉलो करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका फैट लॉस होगा तो ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स मिले एंड ये भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना मिले। उनका डाइट प्लान फॉलो करने से आप उनकी फिजिक अचीव नहीं कर सकते। उनका डाइट प्लान एंड उनका वर्कआउट प्लान उनके लिए रिजल्ट्स दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी अगर उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपको भी रिजल्ट्स देगा। सबकी बॉडी अलग होती है एंड सबके बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज भी अलग होता है। आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के हिसाब से एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेनी पड़ेगी टू लूज योर वेट। आप उनके डाइट प्लान्स एंड वर्कआउट रूटीन से एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं पर आपको अपना खुद का एक प्लान बनाना पड़ेगा। द फोर्थ मिस्टेक इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। दो हफ्ते अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया तो आपके बॉडी का फैट नहीं पिघलने वाला। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं बट इन द एंड आपको एक कैलोरिक डेफिसिट में होना जरूरी है। मैंने खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया है एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर everyone टू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग बिकॉज सबके बॉडी के रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। द ओनली mantra फॉर फैट loss इज कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट इज इक्वल टू फैट loss. That's it. The fifth and the very common mistake is कार्बोहाइड्रेट्स मेक्स यू फैट। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हैं। अगेन घूम फिर के बात आपके डेली कैलोरिक इंटेक पे आ जाती है। अगर आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट ले रहे हैं तो आपका फैट लॉस होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 50% कैलोरीज अपने प्रोटीन से ले रहे हैं, 30% कैलोरीज आप अपने कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं एंड 20% कैलोरीज आप
फैट से ले रहे हैं, ऐसी डाइट अगर आपने अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं करी तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप कैलोरिक सरप्लस में खाओगे तो आपका वेट इंक्रीज होगा, और अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में खाओगे तो आपका वेट डिक्रीज होगा। सो एज लॉन्ग एज यू आर इन अ कैलोरिक डेफिसिट, आप कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज नॉट योर एनिमी। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आप ज्यादा कार्ब्स खाओगे या फिर ज्यादा फैट खाओगे उसके वजह से आप मोटे हो रहे हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। इन रियलिटी आपका वेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर कंट्रोल ऑन योर डाइट एंड आप एक कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन नहीं कर रहे। द सिक्स्थ मिस्टेक इज स्पॉट रिडक्शन विच डज नॉट एग्जिस्ट। 10 मिनट ऐप वर्कआउट करने से या फिर 2 वीक चैलेंज करने से आपका वेट बिल्कुल कम नहीं होगा। ऐप वर्कआउट करने से आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आपकी कोर की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ऐप वर्कआउट करने से आपका फैट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं डेली 100 पुशअप्स करूंगा तो मेरे चेस्ट मसल्स डेवलप होंगे, इससे क्या मेरा फैट लॉस होगा? नहीं। स्पॉट रिडक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स आप अपने बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से फैट कम नहीं कर सकते। जब आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे एंड रेगुलर वर्कआउट करेंगे तो आपके ओवरऑल बॉडी से फैट लॉस होगा। फैट लॉस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड इसके लिए आपको काफी पेशेंस चाहिए। द सेवेंथ बिगेस्ट मिस्टेक इज कार्ब्स आफ्टर 7 PM मेक्स यू फैट। क्या आप 7 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे? नहीं। टाइम के हिसाब से खाने की कैलोरीफिक वैल्यू चेंज बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप एक बनाना की बात करें तो एक बनाना में अप्रॉक्सीमेटली 120 कैलोरीज होता है। उस बनाना को अगर आप सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ या रात को खाओ, उस बनाना में 120 कैलोरीज ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप बनाना सुबह खा रहे हो तो आपको उससे 120 कैलोरीज मिलेंगे एंड उसी बनाना को अगर आप रात को खा रहे हो तो आपको 200 कैलोरीज मिलेंगे। बनाना की कंपोजिशन इज ऑलवेज 120 कैलोरीज। सिमिलरली रात को आप चाहे रोटी खाओ या फिर राइस खाओ, इट डज नॉट मैटर। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर डेली कैलोरिक इनटेक। आप एक दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं? गाइज, इस चीज को क्लियरली समझ लीजिए। आपका वेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं है एंड आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर फूड आइटम के वजह से आपका वेट कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। द एट्थ मिस्टेक इज फैट बर्नर्स एंड सप्लीमेंट्स। एक बात आप सोचिए, अगर किसी मैजिकल टैबलेट या फिर सप्लीमेंट के वजह से फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाए तो लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं फैट लॉस करने के लिए? फैट बर्नर इज टोटली अ स्कैम। इनको मार्केट करके ये पोर्ट्रे किया जाता है कि आप फैट बर्नर से बहुत ही जल्दी फैट लॉस कर सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है टू मेक मनी। आपके फेवरेट फिटनेस एथलीट की बॉडी सिर्फ एक टैबलेट खाने से नहीं बनी है। वो लोग बहुत डेडिकेशन के साथ अपने डाइट प्लान एंड वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते हैं एंड काफी मेहनत के बाद उनकी बॉडी बनती है। सो गाइज, स्टॉप थिंकिंग कि फैट बर्नर लेने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा। The ninth mistake is doing high repetitions. Bulking या फिर cutting करते हुए आपकी सिर्फ एक चीज बदलती है, that is your caloric intake. आपका training same रहेगा, आपका recovery time भी same रहेगा. What will change is your diet. So ऐसा सोचना बंद करिए कि आपको cutting करते समय high repetitions perform करने हैं जिसके वजह से आपका fat loss होगा. Weight training is not for burning calories. अगर आपको calories burn करने हैं तो cardio करिए। वेट ट्रेनिंग करते समय आपका मेन एम होना चाहिए टू बिल्ड योर मसल्स। अगर आप बल्किंग करते समय 10 किलो के डंबल से 10 रेपिटेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो कटिंग करते समय भी आप 10 किलो के डंबल से 10 रेपिटेशंस ही परफॉर्म करें। फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ। अचानक से 5 किलो के डंबल से 12 या फिर 15 रेपिटेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट मत करिएगा। इससे आपका ओवरऑल ट्रेनिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड आप मसल लूज करना स्टार्ट कर देंगे। The 10th एंड the final mistake is dropping calories too quickly. The major reason जिसके वजह से आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा is because you are dropping your calories too quickly. अगर आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए फॉर example 2000 कैलोरीज का इंटेक करना है बट आप impatient होके 1600 कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आप अपना फैट क्विकली लूज करना स्टार्ट कर देंगे एंड आपको डिफरेंस भी दिखेगा बट 2 वीक्स के बाद आप अपना वेट लूज करना स्टॉप कर देंगे।
देन आप ट्राई करोगे कि अपनी कैलोरिक इनटेक 1600 से और कम करके 1200 कैलोरीज कंज्यूम करने का, विच इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। अगर आपका कैलोरिक डेफिसिट में रहने के बाद भी वेट कम होना बंद हो गया तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको एक रिवर्स डाइटिंग करके अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को 2000 कैलोरीज तक दोबारा लेके जाना पड़ेगा एंड उसके बाद अपना कैलोरिक डेफिसिट रूटीन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। गाइज, मैं खुद भी ऐसा एक मिस्टेक कर चुका हूँ एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग भी ये सेम मिस्टेक रिपीट करें। इससे ना तो आपका फैट लूज होगा, ऊपर से आपका मसल लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करें। गाइज, एक चीज याद रखें, फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कंसिस्टेंसी इज दी ओनली की। फैट लॉस एक लंबा प्रोसेस है, तो गाइज आप इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करें एंड एक सही मेथड को फॉलो करें। बी पेशेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय।